हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं गुरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे पियानो कैसे बजाएंगे। बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि पियानो कैसे आप बजाना सीख सकते हैं कुछ ही दिनों में। ऐसी क्या एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका पियानो आप बजाना सीख जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आपको कुछ ज़्यादा थोरेटिकली जानने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहला जो फोकस करना है वो है अपना हाथ चलाने के लिए, कि आपका पियानो के ऊपर हाथ कैसे चले। उसके लिए मैं आज आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो पियानो में बहुत सारे कीज़ हैं, इसके बारे में हम चर्चा आगे वाले लेसन्स में करेंगे। मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। आज जो आपको पहले लेसन में सीखना है कि हम पियानो को कैसे बजाएंगे। देखिए, हम बिल्कुल मिडिल में आते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ पियानो। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच काले नोट आपको ऐसे मिलेंगे सेंटर में। आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल सेंटर स्क्रीन के नीचे यहाँ पे पांच काले हैं। ठीक है, ये जो पहला काला है ये मेरा सा है। ठीक है, ये देखिए, मैंने इसको सा को दबाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहली उंगली से दबाया इसको। देन ये मेरा रे है, इसको दूसरी उंगली से दबाया। देन उसके बाद ये जो तीसरा काला, इससे पहले वाला ये जो सफेद है, ये मेरा गा है। देखिए, सा रे गा। देन मा पा धा नी सा, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को मास्टर कर लेते हैं तो आपका पियानो पर हाथ बैठ जाएगा, आपका हाथ पियानो के ऊपर चलेगा। दोबारा देखिए पहली एक्सरसाइज कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम एक बार ऊपर गए, एक बार वापस आएंगे, देखिए कैसे है। पहले मैं ऊपर जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी वापस आते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। सिंपल है। अभी इसको हम सरगम में देखते हैं, सरगम में इसको क्या बोलेंगे। अभी मैंने आपको एक सरल तरीके से बता दिया कि मैंने इसको कैसे बजाना है। अभी इसको हम सरगम के साथ देखते हैं। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, वापिस सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पियानो के ऊपर बहुत अच्छा हाथ चलेगा। अभी इसको बजाना है कैसे, देखिए। सबसे पहले आप इसको कम से कम 15-20 बार आप स्पीड में बजाइए, जैसे मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। सिंपल, इसी एक्सरसाइज को 15 बार बजाइए। 15 बार बजाने के बाद एक मेट्रोनोम आपको दिखेगा पियानो के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मेट्रोनोम लिखा, और यहाँ पे मैंने जो स्पीड रखा है मेट्रोनोम का 100 की स्पीड रखा है। तो अभी मैं इसको बजा रहा हूँ, देखिए ये घड़ी की तरह टिक टिक कर रहा है ना। अभी मेरे को इसके साथ सिंक्रोनाइज करना है, इसके साथ मैच करना है अपने जो मैंने बजाया था। देखिए मैं कैसे बजा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। इस तरीके से आपको 15 से 20 बार इस मेट्रोनोम के साथ बजाना है। जब आप 100 की स्पीड पे इसको अच्छे से बजाने लग जाएं, आपका 100 की स्पीड में आपका हाथ अच्छे से चलने लग जाए इस एक्सरसाइज पे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तब आप क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा के इसकी 120 स्पीड कर देंगे। मैंने अभी यहां पे 120 स्पीड कर दी, देखिए। जब 120 की स्पीड हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये आप 120 की स्पीड पे अच्छे से बजा सकते हैं, देन आप क्या करेंगे, इसकी स्पीड 150 कर देंगे। अभी ये 150 की स्पीड है, देखिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपको 3 वेरिएशन में इस एक्सरसाइज को बजा के दिखाया। पहले 100 की स्पीड में, फिर 120 की स्पीड में, फिर 150 की स्पीड में।
आप क्या करेंगे, पहले दिन 150 की स्पीड तक ही जाएंगे। मतलब कि आप पहले दिन अगर पियानो सीख रहे हैं तो पहले दिन में आपको ये एक्सरसाइज मुकम्मल ख़त्म कर देनी, इसके ऊपर आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी है, ये पहले दिन ही ख़त्म कर देनी। मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि एक हफ्ते में आपका हाथ ऐसे पियानो पर चलेगा जैसे आप मक्खन की तरह चलेगा पूरा हाथ आपका। आज की वीडियो में इतना ही प्रैक्टिस करना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज मैंने बताई, मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सिखाऊंगा और सिंपल से ही आपको मास्टर बनाऊंगा, ये मेरा दावा है। पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बस इस पहली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ को बिठाइए। अगर इस एक्सरसाइज पे हाथ बैठ गया तो समझिए आपको पियानो पर आपका हाथ चलना शुरू हो गया। तो ये प्रैक्टिस करिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको मैं कुछ और एक्सरसाइज बताऊँगा, फिर कुछ गाने भी सीखेंगे पियानो के ऊपर। तो अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल चलिए, थ्योरेटिकली ज़्यादा जाने की, गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली मैं आपको सब कुछ बता दूंगा टाइम टू टाइम। पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल बात सीखिए जो आपके दिमाग में बैठ जाए, जो आपके दिमाग में घुस जाए। ये नहीं कि सारा एक ही दिन में घोट लो और बाद में ना आपको समझ आए करना क्या है और सीखना क्या है, ठीक है। सिंपल सिंपल चलो, आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पियानो सीख जाएंगे। होप ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।